हेलो फ्रेंड्स, देखो ये फंक्शन, इसकी डेफिनेशन और प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन आज हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है मैं शुरुआत में ही बोल देता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं सबसे ज़्यादा सी लैंग्वेज में। अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो सी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन आपको लिखनी है। अगर प्रोग्राम बनवाता है या पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स जब हम लिखते हैं तो उसे फंक्शन डिक्लेरेशन कहा जाता है। तो जब फंक्शन का नाम और हमने पैरामीटर्स लिखे, जब हमने लिखे तो उसे क्या बोलेंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन। जब हम फंक्शन में एग्जीक्यूट होने वाले सभी स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसे फंक्शन डेफिनेशन कहा जाता है। और जब हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी फंक्शन को यूज़ करते हैं तो उसे फंक्शन कॉल कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन में क्या क्या आते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो सी लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन किए गए होते हैं और इन फंक्शन में पहले से ही डिक्लेयर और डिफाइन किया गया होता है। तो ऐसे सी लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन किए होते हैं और इन फंक्शन को पहले से ही डिक्लेयर और डिफाइन किया गया होता है। बस हमें इन्हें यूज़ करने के लिए हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने प्रोग्राम में स्कैनएफ और प्रिंटएफ का यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें studio.h हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होगा। ये दोनों ही प्री डिफाइंड फंक्शन हैं। इनके उदाहरण स्कैनएफ, प्रिंटएफ एंड strcpy जो बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन ये बहुत कम यूज़ करते हैं, स्कैनर फ्रंट हम ज़्यादातर लिखते हैं। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है और प्रोग्रामर अपनी नीड के अकॉर्डिंग कितने भी फंक्शन क्रिएट कर सकता है। एडवांटेज और पढ़ लेते हैं हम फंक्शंस के। फंक्शन क्रिएट करने से प्रोग्राम का टाइम और कंप्यूटर की मेमोरी बचती है। एक ही कोड को आसानी से बार बार यूज करने में रीयूजबिलिटी बढ़ती है और प्रोग्राम फंक्शन में डिवाइड हो जाता है जिससे उसे आसानी से मैनेज और डिबग किया जा सकता है। प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ती है। तो ये हमारा फंक्शन था जो लास्ट था। अब हम सी लैंग्वेज की थ्योरी का लास्ट कर चुके हैं। अब हम प्रोग्राम पर आएंगे और प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। और प्रोग्राम में सारे आपको एक सारे धीरे धीरे बताता जाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वो भी बताता जाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।